दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए लेटेस्ट टेक चैनल को और बेल आइकन पे कीजिए प्रेस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। वेलकम टू लेटेस्ट टेक। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा आप ओप्पो A37 की F4P लॉक कैसे बाईपास कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आप एक क्लिक में जो है वो ओप्पो A37 की F4P हटा पाएंगे। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको फ़ोन में दिखा देता हूँ F4P लॉक है या नहीं। यहाँ से मैं वाईफाई कनेक्ट कर रहा हूँ दोस्तों। सो एक बात बता दूँ मैं आपको, अगर वीडियो आप पूरी नहीं देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा, मैं गारंटी देता हूँ। आप वीडियो पूरी देखिए, आप बिल्कुल F4P हटा पाएंगे इजी, और वो भी एक क्लिक में। दोस्तों मैं F4P आपको बाईपास करके दिखाऊँगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको चेक करा देता हूँ फ़ोन में F4P लॉक। दोस्तों आप देख सकते हैं फ़ोन में F4P लॉक लगा हुआ है, गूगल लॉक। तो जब तक फ़ोन की पहली ईमेल नहीं डलेगी तो ये आके नहीं बढ़ने वाला। तो इसको अगर आपको ईमेल भूल गया तो इसको कैसे आपको बाईपास करना है यही मैं दिखाऊंगा आपको इस वीडियो में। दोस्तों आप बिल्कुल एक क्लिक में F4P बाईपास कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई दोस्तों तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, और ऐसी और वीडियो देखने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं बहुत सारी मैंने F4P लॉक के जो है वो लिंक दे दिए हैं, जिनमें सैमसंग नाउगेट 7.0 की आप F4P लॉक हटा सकते हैं। उसके बाद और भी हैं दोस्तों बहुत सारे लिंक, तो आप देख सकते हैं जो भी आपको F4P किसी में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आप वीडियो देख के F4P ईजी बाईपास कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको इस फ़ोन के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस प्रॉब्लम का सलूशन आपको ज़रूर बताऊंगा। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको फ़ोन का मॉडल दिखा देता हूं यहां से। फ्रेंड्स यहाँ से आप देख सकते हैं फ़ोन ओप्पो A37 मॉडल है, इसको F4P लॉक है, तो इसको बाईपास एक क्लिक में आप कर पाएंगे। दोस्तों रिक्वेस्ट है मेरी, आप वीडियो पूरी देखिएगा तब आपको समझ आएगी। अगर आप वीडियो आधे छोड़ देंगे तो आपको समझ नहीं आनी है, तो प्लीज़ वीडियो पूरी देखिएगा, आप F4P बिल्कुल ईजी हटा पाएंगे। दोस्तों अब कैसे हटानी है ये मैं आपको दिखाता हूँ अब इस फ़ोन को। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, अपना फ़ोन कर देना है पावर ऑफ़। यहाँ से मैं इसे पावर ऑफ़ कर दिया दोस्तों। तो अब मैं आपको ले चलता हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, और आप एक क्लिक में F4P बाईपास कर देंगे। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा ड्राइवर भी आपने क्या अपडेट करने हैं, तो कैसे करने हैं ये मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों ये आता है ऑर्बिस सॉफ्ट मोबाइल टूल क्रैक, तो ये इसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आपने डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद सबसे पहले अपने कंप्यूटर में अगर आपने एंटीवायरस डाला तो उसे डिसेबल कर देना है। डिसेबल करने के बाद दोस्तों आपने क्या करना, टूल को एक्सट्रैक्ट कर लेना। दोस्तों इसका पासवर्ड मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, नहीं तो आप यहाँ से देख सकते हैं जो है पासवर्ड ज़िप का क्या है। दोस्तों ये मेरे चैनल का ही नाम है जो ज़िप का पासवर्ड है। यहाँ से टूल एक्सट्रैक्ट हो चुका है दोस्तों, तो इसे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना। तो जब आप रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे तो टूल ओपन हो जाएगा दोस्तों। तो इसमें आपको एक यूज़र नेम और पासवर्ड मांगेगा, तो आप रजिस्टर कर सकते हैं इसमें। तो मैंने ऑलरेडी रजिस्टर कर दिया, तो मैं यहाँ से कॉपी करके डाल देता हूँ यूज़र नेम और पासवर्ड। दोस्तों रजिस्ट्रेशन फ्री है, बिल्कुल कोई चार्जेस नहीं है, आप इजी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो मैं इसे पासवर्ड भी लगा देता हूँ।
पासवर्ड डालने का दोस्तों आपने यहाँ से कर देना लॉगिन, तो आपका जो है टूल वो ओपन हो जाएगा ऐसे। तो उसके बाद आपको क्या करना है, अपना फ़ोन जो है वो सिस्टम के साथ कनेक्ट करना। इसके बाद दोस्तों आपने अपना फ़ोन सिस्टम के साथ कनेक्ट करना है। तो सिस्टम के साथ कनेक्ट कैसे करना है, वॉल्यूम अप की और डाउन की दोनों एक साथ प्रेस करके रखनी है और यूएसबी लगा देनी है। तो यहाँ से मैं दिखा देता हूँ आपको, पोर्ट्स में आप देख सकते हैं क्वालम की जो है वो फ़ोन कनेक्ट हो चुका है। तो आपने कुछ नहीं करना, जस्ट इस टूल पे क्लिक करके आपने रीसेट FRP पे क्लिक कर देना है, तो FRP इस फ़ोन की बाईपास हो जाएगी। दोस्तों मैं अब आपको दिखा देता हूँ फ़ोन की FRP बाईपास हुई या नहीं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई, तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और वीडियो